अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग। तो आज मैं आपको खरबूजे के बीज की बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और काजू कतली की तरह बन के तैयार होती है। तो आप एक बार इसे घर पर बनाइए, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, मिक्सी में इसको हमने पीस लिया है और इसको हमने छिलके को अलग कर दिया और इसके आटे को हमने अलग कर लिया है। और इधर हमने लिया एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच देसी घी और इस खरबूजे के आटे को डाल देंगे और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले ना, और ऐसे चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा भुन चुका है। इसको हम अलग निकाल लेंगे, फिर से इस एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप पानी और साथ में लिए 3 कप चीनी। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे चीनी मेल्ट होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरह की हमारी चाशनी भी बन चुकी है और इसमें जो खरबूजे का आटा था उसको मिक्स कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसका हमें डो जैसा तैयार करना है, इसको हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले ना। जब ये थोड़ा थिक हो जाए, कढ़ाई छोड़ने लगे, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ में हमें कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये गाढ़ा हो चुका है, इसको हमने बर्तन में निकाल लिया था। इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद आटे की डो की तरह हम इसको तैयार करेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये गूंद चुका है, इधर लिए हमने एक थाली, इस पर देसी घी को लगा लिया है, चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। और जो डो हमने तैयार किया है इसको हम इसमें चारों तरफ हाथों से ही अच्छे से फैला लेते हैं। तो इस तरीके से दबाते हुए हम एक साथ चारों तरफ ही फैलाना है ताकि ये कहीं से ऊँचा नीचा ना हो जाए। हमारा एक और चैनल है उर्दू का, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप उसे अफसाना खान के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सार हो चुका है। अब लिए हमने एक प्लेट, क्योंकि इसे ऊपर से हमें चिकना सा करना है, तो प्लेट से मैंने चारों तरफ इसे घुमा दिया है। ये चिकना सा होने के बाद अब लगाएंगे इसमें हम चांदी की वर्क। तो आराम से इसमें से हम चांदी की वर्क को लगा देते हैं। तो दूसरे चैनल पर मैं चमन उर्दू की 5 किताबों की वीडियो डाल चुकी हूँ और उर्दू जुबान की हमारी 5 किताब चल रही है, और साथ में ही मैंने उसमें डाला है बगदादी कायदा, नूरानी कायदा, अम्मा पारा, अलिफ लाम मीम का पारा, सैकुल पारा, तिलकर रसूल पारा और लंत नालू पारा, वल मुसनातु पारा और लाहिबुल्लाहु पारा। तो छठवां पारा हमारा चल रहा है, अभी 5 पारे मैं डाल चुकी हूँ। तो अगर उसमें से आप नहीं देगा तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उस चैनल को देख सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चांदी की बर्फ लगा ली है, अब हम कर लेते हैं कटिंग। जिस तरीके से आपको डिज़ाइन बनानी है उस तरीके से आप इन्हें काट सकते हैं। तो कटिंग हमने लगा ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे खरबूजे के बीज की कतली कितनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है, काजू कतली की तरह। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए, ये किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं।